नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने पूरे विधि विधान से मंदिरों में मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की, साथ ही मां देवी का आशीर्वाद लिया। तो वहीं समालखा के सिद्धपीठ दुर्गा माता मंदिर में भी नवरात्र के पहले दिन भक्तों ने मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की। हम आज मौजूद है समालखा के मातापुली रोड स्थित श्री सिद्धपीठ दुर्गा माता मंदिर में। आपको बता दें कि आज पहले नवरात्रे पर यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू हो गई है और सुबह से ही भक्तों का मंदिर में तांता लगा हुआ है। हमारे साथ मंदिर में मौजूद है पंडित श्री सुभाष कौशिक जी, उनसे जानते हैं कि नवरात्रों में किस तरह भक्तों को पूजा करनी चाहिए और किन नियमों का पालन किया जाता है। पंडित जी जय माता दी। जय माता दी। आज से नवरात्रे शुरू हो चुकी है, भक्तों का आना जाना मंदिर में लगा हुआ है, तो भक्तों को आप नवरात्रों में क्या कहना चाहें? तो भक्तों जय माता दी, माता की कृपा से जो सुबह से ही प्रातःकाल से ही मंदिर में हजारों की संख्या में बच्चे भी सभी आए हुए हैं और जो है ना सुबह से पूजा अर्चना की जा रही है। पहला दिन है प्रथम नवरात्रा, प्रथम शैलपुत्री माता का दिन है, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, कुष्मांडा चौथम, पंचमम शगन माता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि, महागौरीचाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री। तो इस प्रकार से नव दुर्गा होती है, 9 दिन तक इनका चलता है। फिर अष्टमी के दिन जो है ना हवन होता है, हवन होने के बाद कन्या पूजन किया जाता है, 9 कन्या और 1 लांगुड़िया बिठाया जाता है। तो अभी पंडित जी ने हमें बताया कि आज नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री जो माता है उनका आज पूजा अर्चना शुरू हुई है और उन्होंने सभी देवियों के नाम बताए हैं कि प्रतिदिन किस माता की पूजा जो है मंदिर में की जाएगी और उसके बाद नवरात्रों का किस तरह समापन किया जाएगा, ये भी हमें पंडित जी ने आज बताया है। आपको बता दें कि यह मंदिर बहुत पुराना है और मंदिर के बाहर पूरा बाजार सजता है, जहाँ पर आने वाले भक्त खरीदारी भी करते हैं, पूजा अर्चना का सामान लेते हैं और मंदिर में आते हैं। समालखा से जनता टीवी के लिए राकेश वर्मा।